सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरुम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका बायां हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पे रखो, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। गुरु मंत्र जप कर लीजिए और आपका मंत्र दीक्षा भी अभी जो हो रही है उस मंत्र दीक्षा को करो। सभी साधकों से एक छोटा सा जो एक महीने या डेढ़ महीने के पीछे बहुत सारे साधकों से ये कहने पर कि प्रभु हम सालों से गुरु मंत्र जप कर रहे हैं, हम सालों से तारा साधना कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई आज तक सिद्धि नहीं मिली, ये उनका कहना था। मैं तो कहता कि भाई अब सिद्धि और सिद्धि न मिलना अपने अपने भाग्य पर, मैं बोलता गया, लेकिन एक बार वो लोग जिद करने के कारण, छत्तीसगढ़ के साधक विशेषतः हमारे निर्मल साहू जो हमारे पास रहते हैं, उन्होंने कहा कि गुरु जी कोई ना कोई मार्ग तो बताओ। मैंने कहा पांच सवाला गुरु मंत्र जप करो पहले, बाद में पांच बार मैं जो तारा मंत्र करता हूँ बोलो, मैं तुम्हें सारा तारा सिद्धि बता देता हूँ। या मैंने तेज में आकर कोई जोश में आकर निर्मल साहू को देखकर बोल लिया, मैं समझा आगे पीछे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आगे पूछेगा नहीं। लेकिन पता है निर्मल साहू ने मुझे ऐसा पकड़ लिया कि छोड़ा ही नहीं। बोले गुरु जी यहाँ आए हैं, मैंने उनको कहा है वो लोग पाँच सवाला मंत्र जब पूर्ण किए हैं, पाँच बार तारा साधना पूर्ण किए हैं, अब बोलो तारा साधना कैसे सिद्ध हो, हमें तो सिद्ध नहीं हुई। अब मैं तो जकड़ा गया, बातों के वचनों में आ गया कि उनको बोल दिया हूँ ऐसा हो सकता है। तो फिर मैंने कहा कि तारा साधना यहाँ आजकल इलेक्ट्रिसिटी है जो ये है, अपने को नहीं दिखने वाली एनर्जी है, और ये जहाँ एनर्जी रहती है वहाँ हम तारा साधना तारा माता को बुलाना बहुत मुश्किल है, हम ऐसा नहीं कर सकते। घर में बुला, अपने घर में पवित्रता रहती नहीं रहती हम नहीं बुला सकते। हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ एक वटवृक्ष हो और पूर्ण जंगल हो, जहाँ लाइट आदि कुछ भी ना हो, ऐसी जगह अगर आप चलते हो तो मैं तुम्हें तारा सिद्ध करवाऊँगा। वो उस बात को भी मान गए। हम बमलेश्वरी बगलामुखी जो स्थित है छत्तीसगढ़ में वहाँ गए थे, तो उस दिन वो सब लोगों ने कहा कि प्रभु हम जंगल में जगह ढूंढ के आए हैं, वटवृक्ष है और आप अब साधना सिद्धि करवा दो। अब मेरे को तो उन्हें अच्छा ही पकड़ ही लिया, छोड़ ही नहीं रहे। तो मैंने कहा ठीक है चलो चलेंगे सभी लोग मिलके। देखा तो क्या 28 लोग तारा साधना संपूर्ण किए, पांच बार सवाला और पांच बार तारा। अब इतने लोगों को तारा साधना सिद्ध करना, एक अकेले दोनों को बोले तो कैसा भी कर सकते हैं। 28 लोग निर्मल साहब पूरी फौज के साथ आए और बोले जंगल में हम रेडी है। अब मैं तो फंस गया यार बोल के। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पारत तारा को लेके आया हूँ और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते वटवृक्ष के नीचे स्थापना करूँगा, लेकिन देखो इसमें जो तकलीफ होगी उसको सहन करना पड़ेगा, तभी तारा सिद्ध होगी। मैंने ये बात उनसे कही और मैंने पहले दिन तारा की प्रतिष्ठा की। मैं भी उनके साथ साधना में बैठ गया कि
केवल दीपक लगाए थे, तेल के दीपक लगाए थे, वटवृक्ष के नीचे सब लोग बैठ गए। और मैंने कहा किसी भी तरह आप आसन को हटाना नहीं चाहिए, आसन वैसा ही रखना चाहिए, और 3 दिन तक रोज रात में 10 बजे के बाद आपको साधना करनी है। मैंने जितनी माला उनको बताई थी 33 मालाएं जब करना है वो करना है। पहले दिन मैंने उनको बिठाकर साधना पारद विग्रह को स्थापना किया और सभी को माला करवाई, मैं भी उनके साथ माला किया। लेकिन मुझे कुछ अर्जेंट काम आने से मैं क्या किया, दूसरे दिन सुबह बोला मैं नागपुर से हैदराबाद चले जा रहा हूँ, मुझे अर्जेंट काम आया। गुरुजी हमको छोड़ के जा रहे हैं, तारा सिद्ध नहीं हुई तो ऐने दिल में तो रहता है कि गुरुजी चले जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, तारा सिद्ध नहीं होगी, ऐसा भी उनके मन में होगा। मैंने कहा कुछ भी हो आप आसन उठ के आसन से हटकर नहीं जाएंगे और आप आसन के पास वैसे ही बैठे रहेंगे और 3 दिन की साधना करेंगे, चाहे बिजली कड़के आपके ऊपर कुछ भी हो मेरे को बोला नहीं, आपको साधना करनी ही है। तब बात हो गई, मैं जब चले गया दूसरे दिन जब ये साधना करने के लिए बैठे, अब उन्होंने उनकी परेशानी सुनी, बिजली कड़कने लगी, पहले तो कुछ नहीं था, बिजली कड़कने लगी, ऊपर से कीड़े पड़ रहे हैं, ऊपर से ऐसा लगता है कि बिजली अब सर पे गिरी नहीं रही, बारिश तो इतनी जोर से, हाथ कांप रहे हैं, ठंडी में जंगल में बैठे हुए हैं। और तब पता चला कि तारा साधना क्या होती है। सभी लोगों ने कहा गुरुजी इतनी परीक्षा मत लो, तारा उसी दिन 33 माला के लिए सब लोग आगे पीछे हो गए और करते बढ़ते सब लोगों ने किधर से करके 33 माला पूर्ण की, गुरु कृपा है 33 माला पूर्ण हुई दूसरे दिन हुई। और जब तीसरे दिन वो साधना पूर्ण कर रहे थे, तीसरे दिन की साधना भी रात में पूर्ण हो गई और उन्होंने मुझे फोन किया, गुरुजी 3 दिन की साधना हो गई अब क्या। मैंने कहा तुम्हारे आसन निकाल के देखो तुम्हें तारा सिद्ध हुई है या नहीं, इसका पता चलता है। और उन 28 लोगों ने, गुरुजी कहा करते थे कि जिसको तारा प्रत्यक्ष होती है उसके सर के नीचे 3 तोला सोना रखती है, सोना रखे जाती है, उन्होंने आसन के नीचे से जैसा ही देखा, उनके जो प्रसाद दिया गया उनको बतला दिया गया और उन्होंने देखा अनुभव किया कि ऐसी साधना हुई है। मैं इस बारे में हमारे हरे कृष्णा को कहा कि वो लोगों को भी बता दो कि वो टीजर के माध्यम से कि वो साधना कैसे सिद्ध हुई, और टीजर आपके वो अभी लगाएंगे, उसके बाद एक बार मैं निर्मल साहू को या सतीश साहू को बुलाता हूँ, उनके अनुभव भी साधना में वो थे, वो अपने साधना 2 मिनट के लिए बताएं। पहले टीजर आपको बता दिया जाएगा, स्क्रीन पर बता देंगे।